आज हम लोग सीखेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और फंडामेंटली हम इसको गिनने की कला या विज्ञान ऐसा समझ सकते हैं। तो हम कुछ शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि आज हम गिनने का एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका डेवलप करेंगे। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग इसको कॉम्बिनेटोरिक्स भी कहते हैं। इससे पहले हम कुछ शुरू करें, हमें ये जान लेना चाहिए कि इस पूरे चैप्टर पे सबसे ज्यादा काम किसने किया और किसने इस पूरे चैप्टर की शुरुआत करी थी। बात करें अगर इस चैप्टर के इतिहास की, तो यूलर, जिनका फोटो हमने यहाँ पे स्क्रीन पे लगा रखा है, आप ये देख पा रहे होंगे, यूलर सबसे पहले ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने गिनने की इस कला को साइंटिफिकली स्टडी करना शुरू किया था और इन्होंने सबसे पहला प्रॉब्लम कॉम्बिनेटोरिक्स का सॉल्व किया था। बात करें और डिटेल्ड स्टडीज की, तो पास्कल, बर्नौलीज और यूलर, ये तीन के तीनों लोगों ने काफी कुछ इस पूरे साइंस ऑफ काउंटिंग में योगदान किया था। तो इन तीनों लोगों को थैंक यू करते हुए हम आज के इस नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, अगर हमें कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स की काउंटिंग करनी हो, तो काउंटिंग का जो सबसे फंडामेंटल तरीका हमने सिखा हुआ है, एक एक ऐड करके, 1 + 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दीज आर द कंटिन्यूएशन नंबर्स। तो इन नंबर्स को बारी बारी से करके हम गिन लेते थे। लेकिन जरा एज्यूम करिए एक छोटे से एग्जाम्पल को, जिसमें आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं और उन 30 बच्चों में से मैं रैंडमली किसी तीन बच्चे को कुछ प्राइज देना चाहता हूँ, ठीक है? जरा सोच के बताइए कि कितने तरीके से मैं ऐसा कर सकता हूँ। देखिएगा, उस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में आपका नाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो सकता है आप, आपके दोस्त और आपका एक दुश्मन, ये तीनों लोग उस प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप तीनों लोग उस प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में ना हो। गिनती कर पाना ऐसे केस में बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों। एक छोटे से उदाहरण से कहानी की शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आप और आपका दोस्त, आपके घर पे रखे हुए ये दो कुर्सियां, एक रेड कलर की कुर्सी और दूसरे ब्लू कलर की कुर्सी पे बैठना चाहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कितने तरीके से आप और आपके दोस्त इन दो कुर्सियों पे बैठेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, दो तरीके। और वो दो तरीके इस तरीके से कि आप यहां बैठ जाएं और आपका दोस्त यहां बैठ जाए, या आप इस नीली कुर्सी पे बैठ जाएं, मतलब आप इस नीली कुर्सी पे बैठ जाएं और आपका दोस्त दूसरी लाल कुर्सी पे बैठ जाए। मतलब आप और आपके दोस्त दो कुर्सियों पे दो तरीके से बैठ सकते हैं। और ये काउंटिंग बहुत ही आसान थी, हमने बहुत ही आसानी से ये गिनती कर ली। लेकिन अगर सिचुएशन थोड़ी सी मुश्किल हो और आप आपके दोस्त के साथ एक और दोस्त, मतलब आप और आपके दो दोस्त, और आपके घर पे अब तीन कुर्सियां हैं, तीनों कुर्सियों का कलर मैंने जानबूझ के रेड, ब्लू और ग्रीन कर रखा है, तो क्या आप बता सकते हैं कितने तरीके से आप आपके दो दोस्त इन तीन कुर्सियों पर बैठ सकते हैं? देखिए, पहला तरीका तो ये हुआ कि आप रेड कुर्सी पे बैठ जाएं, आपका दोस्त, दूसरा दोस्त ब्लू पे और तीसरा दोस्त इस ग्रीन कुर्सी पे। दूसरा तरीका ये, ऐसे ही एक तरीका ये भी पॉसिबल है और एक ये भी तरीका। और ऐसे जरा सोचिए कि तीन दोस्तों के केस में काउंटिंग में कुल 6 तरीके आ गए और गिनती करने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। एज्यूम करते हैं सिचुएशन थोड़ी सी और बढ़ जाती है और अब आपके साथ तीन और दोस्त आ गए हैं, मतलब कुल 4 लोग, और 4 कुर्सियों पर बैठने के कुल कितने तरीके होंगे? सोच के वीडियो पॉज करिएगा और सोच के गिनती करके बताइएगा। बहुत बढ़िया, तो अब आपने गिनती कर ली होगी, और अगर आपने सही गिनती करी हुई है तो आपको पता होगा कि ऐसे कुल 24 तरीके होने वाले हैं। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। तो अगर आपने सही गिनती कर ली है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपकी गिनती किसी तरीके से भी थोड़ी गलत हुई है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।
ऐसे गिनती कर करके हम सिचुएशंस को नहीं सॉल्व कर सकते। हम एक छोटा सा तरीका बनाएंगे जिससे हम सीखेंगे कि कैसे काउंटिंग करने का बेहतर फॉर्मूला बनाया जा सकता है। देखो बच्चों, हम इस पूरे कुर्सी पे अपने दोस्तों को अरेंज करने के इस प्रॉब्लम को एक दूसरे प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देते हैं। मान लेते हैं कि हमारी 5 कुर्सियां कुछ इस तरीके से रखी गई हैं। ये चेयर 1, चेयर 2, चेयर 3, चेयर 4 और चेयर 5। ये 5 कुर्सियां साइड बाई साइड कुछ इस तरीके से रखी हुई हैं। अब आपके दोस्त आते हैं और इन कुर्सियों पर बैठना शुरू करते हैं। कुल 5 लोग और इन 5 कुर्सियों पर कितने तरीके से बैठेंगे, ये हमारा काउंटिंग का ही नेक्स्ट प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, इस पहले कुर्सी पर बैठने के लिए हमारे पास, क्योंकि कुल 5 लोग हैं और उन 5 लोगों में से हमारे पास पूरी तरीके से चॉइस है कि हम इस पहले कुर्सी पे किसी भी 5 में से किसी भी एक बच्चे को बैठा सकते हैं। इसका मतलब है ये कुर्सी बैठने के लिए हमारे पास फ्रीडम होते हुए कुल 5 तरीके हैं, पहली कुर्सी पे बैठने के कुल 5 तरीके। जब पहली कुर्सी पे कोई एक बच्चा बैठ गया उन्हीं 5 बच्चों में से, तो दूसरी कुर्सी पे बैठने के लिए हमारे पास कुल 4 तरीके बचे, क्योंकि अब हमारे पास केवल 4 बच्चे हैं, ऑब्वियसली 4 कुर्सियां भी। तीसरी कुर्सी पे बैठने के लिए हमारे पास 3 तरीके, दूसरी कुर्सी पे बैठने के लिए 2 तरीके, क्योंकि अब केवल 2 बच्चे बैठे हुए हैं, इस पे पहला बच्चा या दूसरा बच्चा कोई कोई भी बैठ सकता है, 2 तरीके। आखिरी कुर्सी पे बैठने के लिए हमारे पास कोई चॉइस नहीं होगा, मतलब जो आखिरी बच्चा होगा उसके लिए एक ही कुर्सी बची होगी और वो उसी पे बैठेगा। ध्यान दीजिएगा, हमें ये सारे के सारे कुर्सियां भरने हैं। और इस तरीके से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये 5 × 4 = 20 एंड 20 × 3 = 60, 60 × 2 = 120। इस तरीके से हमने देखा कि 5 बच्चों को कुर्सियों पर बैठाने का तरीका 120 हो जाएगा। क्या हम एक एक केस को 1 by 1 काउंटिंग करके ऐसा कर सकते थे? असंभव, बहुत मुश्किल काम होता। बच्चों, यहां गिनती का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल मैंने यूज किया है। शायद आपको कंफ्यूजन हो कि मैंने ये सारे तरीके मल्टीप्लाई क्यों कर दिए। अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा मल्टीप्लाई करने का क्यों जरूरत पड़ा यहाँ, और मुझे 2 ऐसे सिद्धांतों की बात करनी होगी जिनके सीख लेने के बाद आप इस पूरे चैप्टर के बादशाह बनने लग जाएंगे। मतलब इस पूरे चैप्टर का फंडामेंटल्स 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स से बनता है जिनको अगले वीडियो में सीखेंगे। आशा करता हूं आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।